नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं पेट के चर्बी घटाने के लिए महत्वपूर्ण 6 आसन बताऊंगा, क्योंकि पेट में चर्बी बढ़ने से क्या होता है, बहुत गंदा दिखता है और धीरे धीरे वो चर्बी जानलेवा हो सकता है। इसलिए बहुत इजी आपको 6 आसन बताऊंगा, वो आसन आप रोज देखकर कर सकते हैं। तो मित्र, इस आसन आप करने से पहले आपको 2 नियम जानकारी होना चाहिए। जिनको हार्निया प्रॉब्लम है उनको पीछे झुकने वाला आसन नहीं करना होता है, और जिनको कमर में ज़्यादा दर्द है उनको आगे झुकने वाला आसन नहीं करना होता है, ये आसन का नियम है। तो आइए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले करूंगा पश्चिम उत्तानासन। इसी प्रकार दंडासन में बैठ के दोनों हाथ ऊपर करके और धीरे धीरे इसी प्रकार श्वास को बाहर निकल कर और टच करना है। इसी प्रकार आपको कम से कम 20-30 सेकंड आपको रुकना है, उसके बाद है धीरे धीरे लेट जाएंगे। लेट कर अभी करते हैं उत्तान पादासन। इसी प्रकार दोनों पैर को 30 डिग्री एंगल पर रखना है, 30 डिग्री पे रख के और 30 सेकंड रुकना है। ये तो आपके जो पेट के चर्बी है धीरे धीरे घट जाती है, इसमें ध्यान रखना है। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है उनको ये आसन नहीं करना है। धीरे धीरे वापस लाएंगे। तीसरा आसन करेंगे, दोनों पैर को उसी प्रकार उठाएंगे और दोनों हाथ को भी उठाएंगे। इसको बोलते हैं नौका आसन। तो ये भी आप जब करेंगे तो पेट में बहुत प्रेशर आता है और पेट के चर्बी घट जाता है, तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है 20-30 सेकंड आपको इसी प्रकार होल्ड करना है। धीरे धीरे आपको वापस जाना है और रिलैक्स हो जाना है। फिर नेक्स्ट आसन करेंगे, बहुत इजी है, पवन मुक्तासन। दोनों पैर को इसी प्रकार मोड़ लीजिए। मोड़ के क्या करेंगे, श्वास को बाहर निकल कर घुटने को टच करना है। इसी प्रकार 30 आधा मिनट कम से कम आपको रुकना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे वापस जाएंगे और रिलैक्स। फिर अभी करेंगे कंधा आसन। देखिए, दोनों पैर को इसी प्रकार मोड़ना है, मोड़कर दोनों हाथ से टाना इसी टच करना है। टच करने के बाद आपको श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे बीच के भाग को ऊपर उठाना है पेट। इसको शत्रुबंध आसन भी बोलते हैं। इसी प्रकार आपको 20-30 सेकंड होल्ड करके धीरे धीरे रिटर्न होना है और उसी प्रकार हलासन के दोनों पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। इसी प्रकार दोनों हाथ से सपोर्ट करते हुए फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर करके दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आके आपको बाएं करवट लेके उठना है। इसी प्रकार बाएं करवट लेके उठना है। तो मित्र, ये 6 आसन जो मैंने आपको बताया है, आप प्रत्येक दिन प्रातःकाल सुबह और संध्या काल इवनिंग को आप कर सकते हैं। आप कम से कम 5-7 बार करके कीजिए और एक एक आसन को आप 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए, तो आप देखेंगे आप 1 महीने के अंदर आपके जो पेट के चर्बी है वो पूरा घट जाएगी। आप बिल्कुल देखने में अच्छा लगेंगे, आपके पेट बिल्कुल इसी प्रकार हो जाएगा। तो मित्र, इसी प्रकार आप कीजिए और
आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी फायदा ले सकें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।